हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं जावा एडवांस में टेक ब्लॉक नाम का एक प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोगों ने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था और काफ़ी वीडियोज़ को मैंने अपलोड कर दिया था। उसमें हम लोगों ने उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स को भी कंप्लीट कर लिया था, जैसे लॉग इन मॉड्यूल, लॉग आउट मॉड्यूल, प्रोफाइल मैनेजमेंट का मॉड्यूल, बहुत सारे हम लोगों ने उसमें मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट का मेन मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोग क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन में हम लोग ब्लॉक के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखेंगे। ब्लॉक मतलब पोस्ट जो यूज़र अपने तरफ से लिख सके, पोस्ट का टाइटल वहाँ पर डाल सके, लॉगिन करने के बाद पोस्ट का डिस्क्रिप्शन डाल सके, कोई इमेज चूज़ करे और वो आके हमारे डेटाबेस में सेव हो जाए, जिससे होगा क्या कि हम लोग बाद में उसको दिखा पाएँ यूज़र को, डिफरेंट टाइप्स के यूज़र जो भी आपके वेबसाइट पे लॉगिन हो रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ब्लॉक को स्टोर करने के लिए डेटाबेस कैसे प्रिपेयर करेंगे और हमें कौन कौन सी टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी डेटाबेस में अपने ब्लॉक, दैट मीन्स अपने पोस्ट का डेटा हैंडल करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग सारी टेबल्स को बनाएंगे और प्रैक्टिकली भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हम यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट को सीख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी जो पोस्ट का काम है वो सिर्फ दो टेबल से चला लूँगा। दैट मीन्स हमें दो टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी अपनी पोस्ट के बारे में डिटेल्स को स्टोर करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे खुद के लिए, रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाओगे या खुद के लिए कोई कॉलेज प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग उन टेबल को एक्सटेंड कर सकते हो। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने प्रोजेक्ट में मोर देन वन टेबल भी यूज़ कर सकते हो। कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मैं दो टेबल से काम कर रहा हूँ तो आप भी दो टेबल से काम कर सकते हो। मैं आपको चीज़ों को सिखा रहा हूँ, अगर आप कॉन्सेप्ट मेरा सीख गए तो आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सीखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अगर सबसे पहली चीज़ हमें समझ होनी चाहिए कि यूज़र आएगा तो क्या काम करेगा। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, अगर बंदा आता है तो सबसे पहले वो लॉगिन कर लेगा। लॉगिन करने के बाद हम एक बटन दिखाएंगे पोस्ट की, दैट मीन्स ब्लॉक डालने की। या आप बटन दिखाओगे ब्लॉक की या पोस्ट, जैसे ही पोस्ट पे क्लिक करेगा तो हमें एक फॉर्म देना होगा यूज़र को। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडल की हेल्प से या एक हम लोग अलग से पेज बना के एक सिंपल सा फॉर्म दे देंगे। और इस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में वो फील्ड्स रख देंगे जो हमें पोस्ट के लिए यूज़र से एक्सेप्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक फील्ड यहाँ पे रख देंगे टाइटल की, जिसमें हम वो बंदा क्या डाल रहा है वो यूज़र से एक्सेप्ट कर पाएँ, उसका टाइटल। उसके बाद हम दूसरा चीज़ इसमें रख देंगे जो होगा डिस्क्रिप्शन या कंटेंट, भाई क्या लिखना चाह रहा है वो कंटेंट लिख सकता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई फ़ोटो है तो वो पिक को भी सेलेक्ट कर सकता है। अभी फ़िलहाल मैं ब्लॉक के लिए सिर्फ सिंगल पिक यूज़ कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं यहाँ पे सिंगल फ़ोटो सेलेक्ट कराऊँगा। आप चाहते हो तो अपने प्रोजेक्ट में मल्टीपल फ़ोटोज़ को स्टोर कर सकते हो, बट थोड़ी सी टेबल बढ़ जाएंगी मल्टीपल फ़ोटोज़ को स्टोर करने के लिए। उसके बाद अगर आपके इस पोस्ट में कोई लिंक है तो मैं लिंक यूज़ कर लूँगा, यहाँ पे लिंक ले लूँगा। ये डिपेंड करेगा आप कैसा प्रोजेक्ट बना रहे हो, और मुझे तो जो जो फील्ड चाहिए मैं ले ही लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। टेक्निकल पोस्ट है तो मे बी कोड हो, जैसे जावा का कोड हो तो मैं एक फील्ड कोड का भी बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। इसी तरह जितनी फील्ड्स आपको चाहिए वो आप यहाँ पे बना दोगे, जिससे यूज़र सेलेक्ट कर पाए। और एक और फील्ड होगी इंपॉर्टेंट, कैटेगरीज़ की फील्ड, ठीक है। कैटेगरीज़ की, भाई ये जो आपने पोस्ट डाला है वो किस कैटेगरी में जाएगा, वो पोस्ट जाएगा टेक्निकल, जैसे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज़ें जाएंगी, जो पोस्ट जाएगा प्रोग्रामिंग में जाएगा, या जो पोस्ट जाएगा जनरल टॉक में जाएगा, या मान लो आप टेक्निकल से हटना चाह रहे हो तो यहाँ पे पॉलिटिक्स भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कैटेगरीज हम दे देंगे, बंदा क्या करेगा चूज़ कर लेगा इन कैटेगरी में से एक कैटेगरी, ये पोस्ट हमारा इसी कैटेगरी के अंदर, अगर प्रोग्रामिंग है तो प्रोग्रामिंग कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। एंड एट लास्ट हम यहाँ पे एक बटन दे देंगे पोस्ट की, सिंपल पोस्ट की बटन दे देंगे। जैसे ही बंदा पोस्ट पे क्लिक करेगा हम लोग ये फॉर्म सबमिट कर देंगे किसी दूसरे सर्वलेट पे, कहाँ पे, एक किसी दूसरे सर्वलेट पे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए उसने बंदे ने क्लिक कर दिया तो हमारा ये फॉर्म चला गया भाई एक सर्वलेट में। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना एक सर्वलेट, ठीक है, एक बना लेते हैं सर्वलेट। इस सर्वलेट पे आ गया हमारा फॉर्म।
तो हमको सिंपली क्या करना है, फेच करना है, तो हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर को यूज़ करके हम सारा डेटा यहाँ पे फेच कर लेंगे। दैट मीन्स पूरा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज में सब फेच कर लेंगे। फेच करने के बाद सर्वेड एक जावा का प्रोग्राम है, इट इज़ अ जावा प्रोग्राम, तो इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये डेटाबेस को कॉन्टैक्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ JDBC। तो हम लोग सर्वेड को बोलेंगे कि भाई तू मेरा एक काम कर, तू मेरा काम कर कि भाई आप JDBC की हेल्प से, JDBC की हेल्प से आप डेटाबेस को कॉन्टैक्ट कर लो। किसको? डेटाबेस को कॉन्टैक्ट कर लो। तो JDBC टेक्निक हमने पढ़ी थी जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर पा रहे थे, डेटाबेस को कॉन्टैक्ट कर पा रहे थे। तो लेट अस सपोज इसके राइट साइड में सारा डेटाबेस है, तो JDBC की हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, डेटाबेस में कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। और कॉन्टैक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो डेटा हम लोगों ने यहाँ से फेच किया था, ये वाला डेटा, वो डेटा हम लोग यहाँ पर भेज देंगे। अब हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर डेटा यहाँ पे पहुँचेगा तो वो सारी डिटेल को हम कैसे स्टोर करेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं पूरा एक्चुअली डेटाबेस के अंदर और समझते हैं कि वो सारी चीज़ें कैसे स्टोर करेंगे, फॉर्मेट यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर हम टेक्निकल टर्म बोलें तो स्कीमा क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग कौन सा डेटाबेस यूज़ करते हैं, RDBMS, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है जो भी डेटा हम लोग स्टोर करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स ही होंगे, टेबल, ठीक है। अब टेबल सबको पता है रोज एंड कॉलम होती है, तो टेबल्स के फॉर्म में होगी। और डेटा को स्टोर करने के लिए हम सिंगल टेबल नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग मल्टीपल टेबल भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो तो मल्टीपल टेबल यूज़ कर सकते हो, और सारी टेबल को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरकनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की वगैरह, ठीक है, बहुत सारी कीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आपका काम हो जाएगा। बट आपको टेबल्स को स्टोर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम लोग टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, टेबल भाई ऐसे ही बनेगी, तो फिलहाल अभी हम लोग समझ रहे हैं तो टेबल को हम ऐसे बना लेंगे, अदरवाइज हमें क्वेरी लगानी पड़ेगी या कोई GUI यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टेबल का नाम हम दे देंगे कैटेगरीज, तो अगर शॉर्टकट देना चाहे तो कैटेगरी कैट रख लो या कैटेगरीज, ठीक है, ये कैटेगरीज नाम की टेबल है। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैटेगरी टेबल बनाएंगे और कैटेगरी के अंदर पोस्ट को रखेंगे या ब्लॉक को रखेंगे। तो कैटेगरी टेबल में जो सबसे पहला कॉलम हम लोग लेंगे वो होगी कैटेगरी आईडी, कि भाई सी कैटेगरी की आईडी क्या है। परफेक्ट, समझ में आ गया। और ये बेसिकली होगी हमारी प्राइमरी की, प्राइमरी की का मतलब ये सारी कैटेगरीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। और अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, इसको प्राइमरी की जगह साथ ही साथ आप इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, जिससे कि ये बढ़ता रहे अपने आप। तो हम लोग इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी कर देंगे, कोई इशू नहीं, अपने आप बढ़ता रहेगा। उसके बाद कैटेगरी का नाम, कि भाई कैटेगरी का नाम क्या है, प्रोग्रामिंग, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, आपकी मर्जी, ठीक है। तो नाम, ये बेसिकली नाम हो जाएगा कैटेगरी का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर आप कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो कि ये भाई कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें रखनी है, तो हम डिस्क्रिप्शन ले लेंगे। अगर आप कैटेगरीज में फ़ोटो भी दिखाना चाह रहे हो तो आप फ़ोटो भी ले लोगे। अब मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाह रहा हूँ कि भाई मैं जो फिक्स कर रहा हूँ वही आप लोग करो, ऐसा नहीं सिखाना चाह रहा हूँ मैं, बस आपको सिंपली ये सिखा रहा हूँ कि आप जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो आप लीजिए। मैं फिलहाल दो एक ले लूँगा तब भी काम हो जाएगा हमारा कैटेगरी नेम। तो फिलहाल मैं अभी जब टेबल बनाऊँगा तो मैं CID कैटेगरी आईडी ले लूँगा, कैटेगरी नेम ले लूँगा, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन ले लूँगा, हमारा काम हो जाएगा। बट अगर आपको क्या पता नाम डिटेल के साथ साथ फोटो भी दिखानी है, काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कैटेगरी मुझे ऐड करनी होगी तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैटेगरी की आईडी 1, और अगर बॉलीवुड कैटेगरी ऐड करनी होगी तो हम लिख देंगे बॉलीवुड, ठीक है, और फिर उसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देंगे यहाँ पे, और अगर फोटो होगी तो फोटो लिख देंगे। तो अब सिंपली होगा क्या, बॉलीवुड जो कैटेगरी है उसकी आईडी 1 है दिस, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो हमें प्रोग्रामिंग या जावा से रिलेटेड कोई कैटेगरी ऐड करनी पड़ी तो मैं 2 लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा जावा प्रोग्रामिंग, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, उसके बाद पिक लिख दूंगा। इसका मतलब इस वाली में यहाँ पे सारी कैटेगरीज एक एक करके आती जाएंगी। परफेक्ट। अब हम लोग, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ कैटेगरी स्टोर करने के लिए टेबल बनाई है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक टेबल और बनाएंगे जो हमारी मेन टेबल होगी, जिसमें हम लोग रखेंगे अपने ब्लॉक्स को, ठीक है। किसको रखेंगे, अपने ब्लॉक्स को रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक टेबल और बना लेंगे और इस टेबल का हम लोग नाम रख देंगे, लेट अस सपोज हम नाम रख देते हैं इसका ब्लॉक्स या पोस्ट रख देते हैं, ठीक है। और सबसे पहला कॉलम, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है PID, पोस्ट की आईडी। जो पोस्ट होगी वो किस, उसकी आईडी क्या होगी, जो कि यूनिक, जिससे कि आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको। और जो दूसरा होगा,
ये तो प्राइमरी की होगी भाई, हर एक टेबल में एक प्राइमरी की इम्पॉर्टेंट है, तो एक प्राइमरी की हम लोग बना देंगे इसमें। नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो हम लोग लगेंगे पोस्ट का टाइटल, कि भाई पी टाइटल, पोस्ट का टाइटल क्या है, तो हम पोस्ट का टाइटल ले लेंगे, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग लगेंगे इस टेबल में पोस्ट का कंटेंट, कि भाई पोस्ट का कंटेंट क्या है, क्या एक्चुअली बंदे ने पोस्ट करा है या क्या पोस्ट वो करना चाहता है, ठीक है, कंटेंट हो गया। अब आप यहाँ पे, मैं फिर से बात बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं है, आप वही कॉलम्स लो, यहाँ पे अपने हिसाब से सोच सोच के लिखो। फॉर एग्जाम्पल मैं, मुझे कोड लेना है तो मैं यहाँ पे कोड ले दूंगा, दैट मीन्स किसी पोस्ट में कोड हो सकता है, किसी पोस्ट में नहीं होगा, तो उसके ब्लैंक वैल्यू आ जाएगी या नल वैल्यू आ जाएगी। बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैक्सिमम जो हमारे इस वेबसाइट पे कैटेगरीज होंगी वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होंगी, तो मैं कोड ले लूँगा। उसके बाद अगर लिंक लेना होता तो मैं यहाँ पे लिंक भी ले लेता, ठीक है, लिंक भी ले लेता, बट मुझे नहीं लेना है, मैं यहाँ पे एक पिक ले लेता हूँ आपके लिए। एंड लास्ट चीज मैं ले लेता हूँ एक डेट, रजिस्ट्रेशन डेट, तो मैं रेज डेट ले लूँगा, ठीक है। ऐसे करके आपको जितने भी कॉलम्स की ज़रूरत होंगी वो कॉलम्स आप यहाँ पे ऐड कर लोगे, एक्स्ट्रा कॉलम्स, परफेक्ट। अब काम हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ अभी भी दिक्कत है कि लेट अस सपोज आपके पास कोई पोस्ट आया, फॉर एग्जाम्पल P1, पहला पोस्ट आया, टाइटल लिख दिया है, प्रोग्रामिंग कंटेंट कुछ लिख दिया, कोड कुछ लिख दिया, पिक कुछ लिख दिया, डेट लिख दिया। मेन चीज़ है इस पोस्ट की, पोस्ट तो आ गया भाई, टाइटल है आपके पास, सारी चीज़ें हैं, बट एक्चुअली क्या आप बता सकते हैं कि इस पोस्ट की कैटेगरी क्या है? दैट मीन्स यहाँ पे पोस्ट की आईडी आप पता लगा सकते हो, यहाँ पे आप टाइटल पता लगा सकते हो, यहाँ पे कंटेंट पता लगा सकते हो, कोड पता लगा सकते हो, पिक पता लगा सकते हो, रेज डेट पता लगा सकते हो, बट पोस्ट की कैटेगरी नहीं पता लगा सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, पोस्ट की कैटेगरी रिस्टोर करने के लिए पोस्ट के पास मैं यूज़ करूँगा फॉरेन की, और मैं इसमें एक कॉलम और ऐड करूँगा। तो इस तरफ मैं ऐड कर देता हूँ इस कॉलम को, 1 मिनट, इस कॉलम को ऐड कर देता हूँ, इसका नाम देता हूँ CID, ठीक है। और ये कॉलम होगा वो इस टेबल की प्राइमरी की स्टोर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे, मेरे पास दो ही ऑप्शन होंगे कि ये जो पोस्ट है भाई वो या तो बॉलीवुड हो या तो जावा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 रख देंगे। ये बेसिकली 1 जो है वो यहाँ की कैटेगरी आईडी है, तो हम इस कैटेगरी आईडी से पता लगा लेंगे कि ये जो हमारा पोस्ट था वो इस वाली आईडी, इस वाली कैटेगरी का है, दैट मीन्स ये बॉलीवुड का है। और अगर यहाँ 2 आ जाता, लेट अस सपोज हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, उस केस में हम पता लगा लेंगे ये जो 1 वाला पोस्ट है वो कहाँ का है भाई, जावा पी के अंदर, जावा पी कैटेगरी के अंदर है। इसी तरह अगर आपका कोई नया पोस्ट आएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे आईडी रख देंगे 2, दैट मीन्स ये दोनों पोस्ट भाई किस कैटेगरी के हैं, ऐसे कैसे कैटेगरी के हैं जिसकी आईडी क्या है, 2 है, दैट मीन्स समझ जाएंगे कि वो इस कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, इस प्राइमरी को एज अ फॉरेन की यहाँ पे यूज कर लिया है, एज अ फॉरेन की। अब हम लोग चीज़ों को ज्वाइन करके भी डेटा निकाल सकते हैं, इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर देंगे इस CID की हेल्प से और इस प्राइमरी की हेल्प से, तो हमारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टेबल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और दोनों टेबल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैटेगरीज वाली टेबल में कैटेगरीज स्टोर कर देंगे हम लोग, मैनुअली भी स्टोर कर सकते हैं, या एडमिन कैटेगरीज को डाल सकता है, अगर चाहे यूज़र डाल दे, बट हर बार अगर यूज़र को आप अथॉरिटी दे दोगे तो हर बार वो नई कैटेगरी ऐड कर देगा, तो इसीलिए हम लोग कैटेगरीज को कुछ फिक्स कर देंगे और पोस्ट यहाँ पे यूज़र डालता रहेगा। फिर अगर आपको लाइक कमेंट बनाना होगा तो उसके लिए अलग टेबल बनानी होगी, तो जब हम लोग लाइक और कमेंट वाला मॉड्यूल देखेंगे तो हम लोग लाइक और कमेंट के लिए अलग से टेबल बना लेंगे, क्योंकि हम लोग को ही सारी चीज़ें करनी है, तो कोई इशू नहीं, हमारा काम धीरे धीरे होता रहेगा, कैटेगरीज बन जाएंगी, फिर पोस्ट बन जाएगा, उसी तरह हमारा और भी काम हो जाएगा परफेक्टली, कोई इशू नहीं। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि जो ये मैंने कॉलम्स लिए हैं वो मेरे अकॉर्डिंग कॉलम्स हैं, आप अब प्रोजेक्ट बनाइए तो आप अपने अकॉर्डिंग कॉलम्स को चूज़ कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपने डेटाबेस को ओपन करते हैं और दो चीज़ें, दो टेबल्स हम लोग फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग ओपन करते हैं अपना SQL योग, यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेंगे SQL योग, और हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर चलेंगे और टेबल्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। और अभी हमें सिर्फ पोस्ट, दैट मीन्स ब्लॉक के लिए हमें दो टेबल की ज़रूरत है, एक कैटेगरीज टेबल की ज़रूरत है और एक हमें चाहिए पोस्ट वाली टेबल। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। यहाँ हमारा ओपन हो गया SQL योग, और हमारे पास यहाँ पे देखिए टेक ब्लॉक नाम का प्रोजेक्ट है, और हमारे पास इसके अंदर एक टेबल है यूज़र, जो इस टेबल को हम लोगों ने बनाया था जब हम लोग ने लॉग इन लॉग आउट बनाया था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने टेबल्स पे राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट टेबल पे जाएंगे। जैसे क्रिएट टेबल पे जाओगे तो ये आपसे कुछ जो डिटेल्स पूछेगा आप सिंपली बता दीजिए, टेबल का नाम पूछ रहा है, तो टेबल का नाम
कौन से टेबल भाई हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे? टेबल का नाम हम लोग डाल देंगे कैटेगरीज टेबल। कौन सी? कैटेगरीज टेबल। ठीक है, देखिए कैटेगरीज सिंपल। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कॉलम का नाम, तो सबसे पहला कॉलम हम यहाँ से देखते रहेंगे। बेसिकली हम लोग को सी आई डी, सी नेम, सी डिस्क्रिप्शन, मैं तीन ही कॉलम यूज़ कर रहा हूँ, सी आई डी, सी नेम और डिस्क्रिप्शन। तो आ जाइए यहाँ पे सी आई डी फॉर कैटेगरी आई डी, टाइप हो जाएगा इंटीजर। लेंथ आप कुछ भी दीजिए, नहीं भी देंगे तो बाय डिफॉल्ट इंट की लेंथ हो जाएगी 11, बाय डिफॉल्ट 11 हो जाएगी। तो आप दे देते हैं, मैं 12 दे देता हूँ, आपकी मर्जी, 255 से ऊपर मत दीजिएगा। और इसको प्राइमरी की बनाने के लिए हम पीके कर देंगे, नॉट नल कर देंगे, उसको ऑटो इंक्रीमेंट भी कर देंगे। ठीक है, आप क्वेरी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। उसके बाद हम नेम कर देंगे, कैटेगरी का नाम मिल जाएगा, और हम लोग को कैटेगरी का नाम होगा वेयर केयर, तो हम लोग वेयर कर लेंगे। और नाम बेसिकली 100 करेक्टर से ज़्यादा मैं नहीं लगूंगा, और नॉट नल भी कर दूंगा जिससे कि नाम नल एक्सेप्ट ना कर पाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग का डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा कि भाई कैटेगरी के बारे में आप कुछ डाल दो जिससे हम लोग स्क्रीन पे दिखा पाए कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन। और ये वेयर कर होगा ये भी, बट हम नहीं चाहते कि आप 200 से ज़्यादा इसको स्टोर करो, तो लेंथ मैं 200 करूंगा, बट ये नल हो सकता है, कोई इशू नहीं है। और भी चीज़ें आपको जो लेनी होगी आप ले सकते हो, फील फ्री टू जस्ट एक्सप्लोर इट। आप क्या करो यहाँ पे और भी चीज़ें स्टोर करो, क्योंकि प्रोजेक्ट आपका अच्छा बनेगा जितना डेटा आप यूज़र से एक्सेप्ट कराओगे, या जितना यूज़र को आप दिखाओगे डेटा, आपका प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा। तो सिंपली यहाँ पे आप यहाँ पे आपके कॉलम्स ऐड करने का सिंपल मतलब है कि आप कैटेगरीज का जो कैटेगरीज की डिटेल है उसका जो एक रेंज टाइप है उसे आप एक्सपेंड करो, ज़्यादा डेटा आप कैटेगरीज के बारे में रखे हो। बट फिलहाल मैं सिर्फ कैटेगरीज के बारे में दो ही चीज़ रखूँगा, एक कैटेगरी का नाम और कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन, और फिर मैं सिंपली सेव पे क्लिक कर दूंगा, तो हमारी कैटेगरी वाली टेबल बन जाएगी। टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू क्रिएट मोर टेबल्स? तो मैं कहूंगा यस। ठीक है, मोर टेबल, और यहाँ पे मैं मेन टेबल बनाऊंगा पोस्ट। ठीक है, पोस्ट टेबल, और हम यहाँ पे कॉलम का नाम देंगे। सबसे पहले कॉलम का नाम पी आई डी, मैं एक बार देख लेता हूँ अपने। देखिए सबसे पहले हमें कॉलम बनाना है सी पी आई डी, पी टाइटल कंटेंट कोड पिक। ठीक है, तो देखते जाइए, मैं बनाऊंगा पी आई डी फॉर पोस्ट आई डी, ये इंटीजर होगी, लेंथ इसके देते हैं 12, प्राइमरी की नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, पी टाइटल। ठीक है, तो मैं कैमल कैसे यूज़ कर रहा हूँ आपकी मर्जी, आप जो यूज़ कर लीजिए। और टाइटल होगा वेयर केयर, और वेयर केयर, और हम लोग टाइटल में क्या करेंगे, टाइटल में हम लोग 150 से ज़्यादा बड़ा टाइटल नहीं हो सकता, और नल भी नहीं हो सकता, तो मैं नॉट नल पे टिक कर दूंगा। उसके बाद पी कंटेंट, तो हम लेंगे पी कंटेंट। उसके बाद ये होगा लॉन्ग टेक्स्ट, ये होगा लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट, और नल हो सकता है, कोई इशू नहीं, क्या पता कोई बंदा अगर नहीं डालना चाह रहा है तो छोड़ सकता है। कंटेंट हो गया भाई, कंटेंट के बाद हम लोगों ने लिया था कोड, क्या पता प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, तो पी कोड एक डेटा मैं ले लूँगा पी कोड। उसके बाद हम लोग पी कोड जो होगा वो भी लॉन्ग टेक्स्ट होगा, एंड दैट्स इट, ये भी नल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने लिया था भाई पिक, तो हम ले लेते हैं पी पिक। ठीक है, पोस्ट पिक, तो पी पी प्रीफिक्स मैंने यूज़ किया सब में, मुझे चीज़ें याद रहेंगी। ये वेयर केयर होगा, और ये पिक सिर्फ नेम होगा, यहाँ पे डेटा जो पिक का होगा मैं फाइल में स्टोर करूँगा, तो नाम आप 100 से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, और जो डिफ़ॉल्ट नाम होगा वो डिफ़ॉल्ट आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डिफ़ॉल्ट छूट जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा दैट मीन्स डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद आप डेट दे दो, पी डेट कब कब आपने पोस्ट किया है, तो डेट को स्टोर करने के लिए मैं यूज़ करूँगा टाइम स्टैम्प, दैट मीन्स डेट और टाइम दोनों। और हम लोग क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट में मैं लिखूँगा नाउ, एक फंक्शन होगा, ये नाउ क्या करेगा भाई, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा ये नाउ। क्या करेगा नाउ, जब भी कोई रो इंसर्ट होगी इसके अंदर तो ये नाउ अपने आप से करंट डेट एंड टाइम सिस्टम से उठा लेगा और आपके उस रो में स्टोर कर देगा, तो आपको अलग से स्टोर नहीं करना। जैसे पी आई डी को आपने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, यहाँ पे पी आई डी को ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, तो आपको इस कॉलम की जो रोज होंगी उनको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप बढ़ती जाएगी। उसी तरह पी डेट के कॉलम्स जो रोज़ की वैल्यूज़ होंगी उनको आपको नहीं देना पड़ेगा। ये नाउ फंक्शन क्या करेगा, जैसे रोज़ ऐड होगी ये नाउ फंक्शन अपने आप से ही करंट डेट टाइम स्टोर कर देगा सिंपली। एंड लास्ट चीज़ फॉरेन की के लिए, ये वाला कॉलम हम लोग बनाते हैं, ये सी आई डी, तो हम लोग आएंगे सी आई डी,
या कैट आईडी कर देते हैं, कैट आईडी। और यहाँ पे ये भी इंटीजर होगी, ठीक है, इंटीजर होगी। लेंथ इसका कुछ दे देते हैं 12, ठीक है। अब मेन चीज़ फॉरेन की बनाने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करना है एसक्यूएल योग में, मैं बता रहा हूँ। आप अगर किसी दूसरे जीयूआई में हो तो आप सर्च करिएगा कैसे बनाते हैं। यहाँ पे करना है कि आपको देखिए यहाँ पे कॉलम्स, इंडेक्सेस और यहाँ पे फॉरेन की, इस फॉरेन की को क्लिक करना है, परफेक्ट। अब आपको यहाँ पे कॉलम्स दिखेगा तो सिंपली करना क्या है आपको, देखिए रेफरेंस डेटाबेस सेलेक्टेड है, आप सिंपली क्या करिए रेफरेंस टेबल पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, परफेक्ट। उसके बाद आप देखिए रेफरेंस कॉलम पे क्लिक करिए और आप सी आई डी को सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये बेसिकली क्या करेगा, इस कैटेगरी कैटेगरीज टेबल की प्राइमरी की को ले लेगा, यहाँ की ये कैटेगरीज टेबल है इसकी प्राइमरी की ले लेगा, ये हमारी रेफरेंस टेबल है और ये रेफरेंस कॉलम है इसका, तो मैंने सी आई डी पास कर दिया है, ठीक है। ऑन अपडेट कैस्केड कर दिए, ऑन डिलीट भी कैस्केड कर दिए, इससे होगा क्या कभी भी आप इस टेबल की चीज़ें डिलीट करेंगे तो यहाँ की सारी चीज़ें अपने आप से डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। और एक रेफरेंसिंग कॉलम, तो ये बेसिकली रेफरेंसिंग कॉलम इस टेबल का कॉलम है, तो हम लोग को ये वाला कॉलम देना है सी आई डी, और इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है, देखिए यहाँ पे मैंने लिया है कैट आई डी, ठीक है। तो हम ओके कर देंगे, उसके बाद हम सिंपली सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे तो आपकी टेबल बन जाएगी, आप सिंपली नो कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए तीन टेबल बन गए, कैटेगरीज, पोस्ट एंड यूज़र। अगर आप पोस्ट पे राइट क्लिक करके इसको ओपन करते हो तो आपके कॉलम्स दिख जाएंगे, देखिए पी आई डी है, पी टाइटल है, पी कंटेंट है, पी कोड है, पी पिक है, पी डेट है और कैटेगरी आई डी है। और यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो यहाँ एक लॉक टाइप का बना हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरेन की कंस्ट्रेंट को, ठीक है। और कैटेगरी टेबल को आप देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी आई डी है, नेम डिस्क्रिप्शन है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, पोस्ट टेबल में जो कैटेगरी आई डी में डेटा होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस कैटेगरी कैटेगरीज टेबल की आई डी स्टोर हो पाएगी, ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को भी फॉलो करेगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है पूरा ब्लॉक को मैनेज करने के लिए बैकएंड का डेटाबेस। कुछ चेंजेस थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जब प्रैक्टिकली काम किया तो मैंने ये दोनों कॉलम्स नहीं बनाया है और सी आई डी को मैंने कर दिया है कैट आई डी, ठीक है, ये कॉलम बनाया। कुछ नाम में चेंजेस हैं तो वो सारे नाम हम लोग टेबल में ही देखे करेंगे, ये सब चीज़ों को सीखने के लिए था। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पोस्ट का काम। और चलिए फ्रेंड्स अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।